अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग भी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और शाम के 4:30 हुए हैं और मैं अपने छत पे आई हूँ। देखिए मौसम कितना ठंडा सुहाना हुआ है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और हाँ, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, तो जा रही हूँ मैं अपने लिए काढ़ा बना के पीने के लिए। तो चलिए आपसे मैं शेयर करती हूँ। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हुआ है, कितना मौसम ठंडा है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और हमारा छत पूरा के पूरा ही काला हो गया है बरसात के वजह से। तो ये है हमारे छत का पूरा नज़ारा, देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो। यहाँ पर हम तुलसी पत्ता ले रहे हैं काढ़ा बनाने के लिए। चलिए। और हाँ, यहाँ मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं मक्के को भून रही हूँ। मेरे बच्चे बोल रहे हैं मुझे मक्के खाना है, तो इसलिए मैं मक्के को भून रही हूँ। और एक तरफ मैं अपना काढ़ा का तैयारी शुरू कर दी, उसमें तुलसी पत्ता डाल के पानी डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि लौंग, इलायची, मरीच और थोड़ा अदरक है, उसको मैं कुटनी में कूट लूँगी। और मक्का भी मेरा तैयार हो रहा है, इधर पानी भी बॉयल हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं कूट कर और उसमें डाल दूँगी। और मेरा मक्का भी तैयार ही हो रहा है, एक तरफ वो भी काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है, अदरक, लौंग, इलायची, और मक्के को भी घुमा घुमा के भून रही हूँ। मेरे बच्चे सब परेशान कर रहे हैं कि मुझको मक्का खाना है। और इसमें मैं चाय पत्ती डाल दी हूँ। और चीनी डाल दी हूँ इसमें। और मक्के को घुमा घुमा के भूज रही हूँ अच्छे से। और मक्के मेरा भून गए हैं, तो उसको निकाल ले रही हूँ। और इधर चाय मेरा तैयार हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसको छान लूँगी। चाय हो रहा है, अभी पक रहा है, अब तैयार हो गया है। अब चाय को मैं उतार लूँगी, उतार कर उसके बाद निकाल लूँगी चाय कप में और सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। इसलिए कि काढ़ा है सेहत के लिए अच्छा है, इस टाइम तो सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है, तो यही काढ़ा पीने में ही अच्छा है। पीकर अपना सर्दी जुकाम ठीक कर लीजिए आप लोग। और इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल दे रही हूँ। इधर मैं तिरोई के, हम लोग के इधर इसको हम लोग तिरोई बोलते हैं, छोटा वाला तिरोई, उसको आज मैं हम सब्जी सिंपल सी सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप लोग इधर क्या बोलते हैं? हम लोग तो इधर यूपी में इसको तिरोई बोलते हैं, नेनुआ, बड़े वालों के नेनुआ बोलते हैं। उसमें आलू भी डाल लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। इधर मैं अपने बच्चों लोग के डांट रही हूँ कि परेशान मत करो, है ना, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो। इधर मैं सब्जी को आलू को छील के धो लूँगी अच्छे से, सारी सब्जी को कट कर लूँगी। इधर मैं बच्चों लोग को समझा रही हूँ कि अपना पढ़ाई करो, बदमाशी मत करो। इधर मैं अपना जल्दी जल्दी सब्जी भी काट रही हूँ। शाम हो गया, मच्छर इधर बहुत लग रहे हैं, मच्छर इतना लगते हैं कि हमें, आप लोग तो देखिए कितना पीछे मेरे छत पर से कितना अगल बगल कितना जंगल है, मैं जंगल में रहती हूँ। तो मैं अपना तिरोई काट रही हूँ, जल्दी जल्दी सब्जी काट लूँगी। और आप बताइएगा कि आप लोग इधर ये सब्जी का क्या बोलते हैं? हम लोग तो इधर तो हम लोग तिरोई बोलते हैं, छोटे वाले। और आलू
हो गया है, बहुत शाम हो गया है, इसलिए मैं इधर मिर्ची को भी कट कर रही हूँ। और थोड़ा मेरे गले में परेशानी है, इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। थोड़ा बहुत परेशानी है मेरे गले में जुकाम से। और इसमें प्याज भी कट कर लूँगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अभी न्यू हो, थोड़ा गलती हो रहा है, माइंड मत कीजिएगा। इधर मैं कढ़ाई को मैं तेल डाल रही हूँ। यहाँ पर दो सूखी मिर्च डाल रही हूँ और इसमें पचफोरन डाल रही हूँ। पचफोरन से इस तिरोई का सब्ज़ी का बहुत टेस्ट आता है। जब ये लाल हो जाएगा, थोड़ा भुन जाएगा, तो इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें अनियन और हरी मिर्च को डालकर भूंज लूँगी। और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक उसको भूंज लूँगी। सब्जी हो मेरा प्याज लहसुन मिर्च सब भून गया है, तो इसमें आलू डाल के थोड़ा आलू फ्राई करके इसमें तिरोई भी डाल लेंगी। ऐसे इसको मिला के इसको ढक दूँगी। ये बहुत पानी दे छोड़ता है। उसमें थोड़ा हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। मेरा सब्ज़ी बहुत बिना मसाला के है, इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और ये हरा मिर्चा, लहसुन, प्याज डालने से ही सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मसाले से उतना टेस्ट नहीं आता है। हम लोग की इधर इसी तरह सिंपल सब्ज़ी बनता है, भुजिया, इसको हम लोग भुजिया बोलते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। आप लोग भी ऐसे बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हम लोग फुल्की रोटी बना रहे हैं, फूली फूली रोटी। मेरे बच्चे बहुत इसको अच्छा से खाते हैं। हम लोग को बिना मसाला वाला बहुत अच्छा लगता है। इधर सब्जी मेरा भी एकदम तैयार हो गया है, मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ और उसमें रोटी रख लूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।